अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब। आस कर दी हाँ कि सारे जी राजी खुशी होवोगे। 19वीं सदी अद्धी बीत चुकी सी। पंजाब नू हर पक्षों नीवा ते बेबस किया जा रहा सी। पंजाब गुलामी दी रात थले आ चुकिया सी। इलम, विरासत, शख्सियत, शनाख्त ते मलकियत नू हर पक्षों पंजाब तों खोया जा रहा सी। पंजाबी कौम प्रस्ती सामराज दे पंजां विच फस के रह गई सी। उस वेले 1849 विच महा पंजाबी जरनैल दे कार एक बच्चे ने जन्म लिया। इस बच्चे ने वड्डे हो के मॉडर्न पंजाब ते पढ़े लिखे लाहौर दी बुनियाद रखी। तारीख इस बच्चे नू सरदार दयाल सिंह मजेठिया दे नाम नाल याद करदी है। असी सरदार दयाल सिंह नू सन ऑफ लाहौर ते सन ऑफ पंजाब भी कहिंदे हां। तारीख विच कुछ लोग जंगा लड़ के अपना नाम लिखवाउंदे ने, जबकि कुछ लोग नवे विचार दे के हमेशा लई अमर हो जांदे ने। सरदार दयाल सिंह ने इंस्टीट्यूशनस बनाए ते तारीख विच हमेशा लई जिंदा हो गए। पंजाबी नस्लां नू मॉडर्न तालीम देण वाले सरदार दयाल सिंह मजेठिया, पंजाबी शनाख्त नू एक वारी फेर जिंदा करन वाले सरदार दयाल सिंह मजिठिया दी कहानी अज तुहाडे लई पेश करांगी। एक झात पावांगे पंजाब लई उहनां दीआं कीतीआं गईआं सेवावां ते खिदमतां ते, ते नाले भालांगे कि असी पंजाब वालिआं ने सन ऑफ पंजाब ते सन ऑफ लाहौर दी सोच नू किन्ना कु अगे टोरिआ है। पर उस तों पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि तुसी चैनल खोजो, सबसक्राइब कर लो। सरदार दयाल सिंह होरां दे खानदान दा तारीख विच बड़ा नाम है। महाराजा रणजीत सिंह दी बनाई हुई पंजाब स्टेट दे जरनैलां विच सरदार दयाल सिंह दे प्यो दादे दा नाम वजदा है। सरदार दयाल सिंह दीआं तकरीबन 3 नस्लां ने महाराजा रणजीत सिंह दी फौज विच बड़ा अहम किरदार निभाया। चढ़दे पंजाब नाल ताल्लुक रखदे डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उद्धोके एक खोजी इतिहासकार ने तारीख नूं अपनी नज़र नाल वेखदे ने, सिख कौम लई अपनी आवाज़ उठांदे रहिंदे ने, तारीख ते बड़ी गूढ़ी नज़र भी रखदे ने। असी उहनां कोलों सरदार दयाल सिंह दे पिता लहणा सिंह बारे मुख्तसर पुछिया कि साडे नाल अपने विचार सांझे करो। जदों असी उहनां दे परिवारक पिछोकड़ की गल करदे हां तां उह भी लाहौर तों शुरू हुंदा है, ते जदों असी उहनां दी देण की गल करदे हां उह भी लाहौर आ के खत्म हुंदी है। सो इन्हां दोहां जिहड़ियां गल्लां ने उहनां दा जिहड़ा मरकज़ है वह लाहौर है। जदों असी उहनां दे पिछोकड़ की उहनां दे अनसैसटर की गल करते हैं तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे दरबार दे विच साहिबे सदर सरदार लहणा सिंह मजिठिया, मेरे ख्याल दे नाल जदों असी सिख तवारीख का अध्ययन करांगे तां कोई ऐसा स्रोत जिहड़ा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जां सरकारे खालसा दे नाल तअल्लुक रखता होवे ते उहदे विच सरदार लहणा सिंह मजिठिया का जिक्र ना आवे, क्योंकि अहुदा ही इवें दा सी। जे कह सकते हो कि अज के समय के एक राज विज्ञानी होवे उसनू साहिबे सदर का एक खिताब दे देना, और उन्हां समयां दे विच उन्हां दीआं जिहड़ियां खोजां सी, जेकर असी उन्हां दी गल करिए चाहे श्री अकाल तख्त साहब दे सामने लोहे दे निशान साहब दी गल होवे, जां फिर दरबार साहब दे अंदर धुप घड़ी दी गल होवे, जां फिर जिस वेले श्रीनगर नू जम्मू कश्मीर दे इलाके नू फतेह कीता गया उस समय वरतियां गईयां जिहड़ियां डिस्पोजेबल कैनन ने इक्को वार वरतियां जाण वालियां तोपां दी गल होवे, ते जां फिर डबल एक्शन जिहड़े उस समय दे तोपां दे गोले सी उहनां दी गल होवे, जां फिर सूरजमुखी वर्गियां जां फिर जंगे बिजली वर्गियां तोपां जिन्हां दी बैरल चलण दे नाल गर्म नहीं सी हुंदी, चाहे उहनां तोपां दे बनाउण दी गल होवे, फतेह जंग दी गल होवे। सो ये जिन्नियां भी खोजियां रणजीत सिंह दे समय जंगी खेत्र दे विच हुंदियां ने उहनां सारिआं दा सिहरा जिहड़ा है सरदार लहणा सिंह मजिठिया दे सिर बजदा है। ते सरदार लहणा सिंह मजिठिया शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे राज दा सूरज अस्त होण तों बाद बनारस चले गए, ते उन्हां दे घर इस सपुत्र ने जन्म लिया जिन्हां दा नाम सरदार दयाल सिंह मजिठिया है। सरदार लहणा सिंह ने महाराजा रणजीत सिंह दी मौत मगरों 1839 विच मुखालफत कारण लाहौर छड्या ते बनारस नूं अपना ठिकाणा बना लिया। उत्थे ही सरदार दयाल सिंह ने जन्म लिया।
6 साल की उम्र मगरों सरदार दयाल सिंह अपने माँ प्यो तो महरूम हो गए। उस तो बाद सरदार दयाल सिंह नू अमृतसर तो 10 मील दूर अपने अबाई घर मजेठिया ले आया गया। इत्थे मुढ़ली तालीम सरदार दयाल सिंह ने एक अंग्रेज़ गवर्नस कोलों लई। उस तो बाद वो पढ़न लई अमृतसर चले गए। सरदार दयाल सिंह वेले दे नाल नाल फारसी, अरबी, हिंदी ते अंग्रेज़ी दे स्कॉलर बन गए। जदों यूरोप ते यूके गए ते उन्हां दी सोच विच एक वड्डी तब्दीली आई। सरदार दयाल सिंह पंजाब दे उन्हां मनुखां विचों पहले सन जिन्हां पंजाबी कौम दी शनाख्त ते इज्जत ते नफ्स लई दिन रात काम कीता। एक गल ते सरदार दयाल सिंह बड़ी चंगी तरह समझ गए सन कि पंजाबी कौम की आज़ादी ते शनाख्त सिर्फ ते सिर्फ तलीम यानी एजुकेशन राही हासिल की जा सकती है। उस वेले सरदार दयाल सिंह की उम्र दे अमीरजादे मौज मस्ती विच गुम सन। आम लोगों का दुख उन्होंने दिलों विच नहीं सी, पर सरदार दयाल सिंह ने रवायतों नू तोड़िया ते पंजाबी कौम लई तालीम आम करन दीआं कोशिशां शुरू कर दित्तियां। सरदार दयाल सिंह ने अपने इस ख्वाब नू पूरा करन लई 1881 विच एक अंग्रेज़ी अखबार दी ट्रिब्यून दे नाम नाल छापना शुरू कर दिता। जल्द ही यह अंग्रेज़ी अखबार पूरे हिंदुस्तान विच पंजाबियों की एक भरवीं आवाज़ बन गया। दी ट्रिब्यून अखबार ने तलीम लई राह बनाई। 25 आर्टिकल्स ते एडिटोरियल सिर्फ इस लई छापे गए कि पंजाबियों नू मॉडर्न तालीम अंग्रेज़ी विच दिती जाए ते नाल ही लाहौर विच एक यूनिवर्सिटी भी बनाई जाए। इंज पंजाब विच लाहौर विच पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर बनाने विच सरदार दयाल सिंह दा एक वड्डा किरदार रहा है। जिस तरह सर सैयद अहमद खां होरां मुसलमानां नू मॉडर्न तालीम सीखण लई अंग्रेज़ी दा कहा सी, इस तरह सरदार दयाल सिंह मजेठिया ने पंजाबी कौम नू वेले नाल नवी सोच नू परखण लई अंग्रेज़ी तालीम वल आउण दा सद्दा दित्ता सी ते पंजाब यूनिवर्सिटी बनाउण लई सरदार दयाल सिंह दीआं कोशिशां नू कदे भी भुलाया नहीं जा सकता। सरदार दयाल सिंह अपना ज़्यादातर समां लाहौर ही गुजारदे सन। दी ट्रिब्यून भी लाहौरों ही छपदा सी। कदे कदे ओ लाहौर तो कराची या अमृतसर भी जांदे सी, पर उन्हां दा ज़्यादातर ठिकाणा लाहौर ही सी। सरदार दयाल सिंह ने कदे भी दी ट्रिब्यून अखबार के मामलात विच दखल नहीं सी दित्ता। इसलिए बड़ी छेती ही यह अंग्रेज़ी अखबार पूरे हिंदुस्तान का सब तो वड्डा अखबार बन गया ते सरकार नू आईना दिखाण लग पिया। बेखौफ पत्रकारी ते सहाफत दी एक वड्डी मिसाल यह अखबार सी। उस वेले अमीरजादे आज़ादी ते आसानी दी जिंदगी नू मुख रखदे सी। मौज मस्ती विच रहना उन्हां दा मशगला सी। कई जागीरदार बने, कई तहसीलदार ते कई कमिश्नर बन गए, पर सरदार दयाल सिंह मजेठिया इन्हां सब तो वक्त रियल स्टेट कीमती हीरियां पत्थरां ते ज्वैलरी दा कारोबार शुरू कीता ते जल्द ही अमीर तरीन लोकां विच शामिल हो गए। खानदानी जायदाद तो अड सरदार दयाल सिंह ने खुद बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाई। जदों अंग्रेज़ सरकार ने अपने फौजियां दियां बैरिक्स अंदरूने शहर दे बाहरों हटा के मियां मीर दे नेड़े बनाउण दा फैसला कीता, उस वेले सरदार दयाल सिंह ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदी। उन्हां दी प्रॉपर्टी विच माल रोड ते मौजूद दयाल सिंह मैनशन, फैन रोड दे चैंबर्स ते इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस दे नाल लगदी कुछ जमीन। लाहौर, अमृतसर ते कराची विच सरदार दयाल सिंह होरां दीआं 26 प्रॉपर्टी सन। उन्हां नूं सिख इतिहास दा बड़ा गूढ़ा ज्ञान सी। कुछ खानदानां कोलों उन्हां ने कीमती हीरे ते पत्थर भी खरीदे जिन्हां दा ताल्लुक महाराजा रणजीत सिंह दी रियासत नाल जुड़िया होया सी। 1895 विच सरदार दयाल सिंह दी जायदाद दी कुल मालियत 35 लाख सी, जो उस वेले दे हाउस ऑफ टाटास दे मालक तों 7 लाख वध सी। इन्नी ज़्यादा जायदाद होने के बावजूद भी सरदार दयाल सिंह हमेशा पंजाब ते लाहौर नाल जुड़े रहे ते अपनी रकम दान करते रहे। सरदार दयाल सिंह ने नैशनल बैंक की बुनियाद भी रखी। उन्हें कई तालब इलमां की मदद भी की। वक् वक् इदारियां ते मनुखां नू ओ हर महीने चैरिटी कर गए। कदे कोई महीना ऐसा नहीं सी गुजरिया जिदे विच ओ डोनेशन नहीं सी करते।
इस तरह सर सैयद अहमद खान के इदारे अंजुमने इस्लामिया भी वह हर महीने भारी डोनेशन देंदे सन। सरदार दयाल सिंह ने तीन ट्रस्ट बनाए, एक द ट्रिब्यून ट्रस्ट, दूजा दयाल सिंह लाइब्रेरी ट्रस्ट ते तीजा दयाल सिंह कॉलेज ट्रस्ट। सरदार दयाल सिंह एक जहीन ते हर वेले सवालों के जवाब पालन वाले मनुख सन। वो सिख धर्म, बाइबल, गीता ते कुरान नू हर पक्षों समझते सन। उन्होंने घर मुसलमान ते क्रिश्चन बावरची सन। सरदार दयाल सिंह तालीमी ते समाजी सुधार दी मूवमेंट ब्राह्मो समाज नाल जुड़े रहे। इस बारे डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदो के दसदे ने। सरदार दयाल सिंह ने अपनी जिन्नी भी कह सकते हो कि कारवाइया का जो मरकज़ है वह लाहौर नू बनाया। लंदन तो इन्होंने पढ़ाई भी की, बेशक के उदों सिख आवाम दे विच ये गल भी फैली कि दलीप सिंह जिस तरह लंदन गया सी जाके ईसाई बन गया, किते हुण सरदार लहणा सिंह दा पुत्र दयाल सिंह भी जाके ईसाई ना बन जावे, पर वो ईसाई नहीं बन के आए बल्कि उत्थों विद्या ग्रहण करके वापस आ गए। तो जिहड़ा उन्होंने समाज दे विच जिहड़ियां उस समय दियां कुरीतियां सी उन्हां नूं दूर करन दे वास्ते जिहड़ा उन्होंने खेत्र चुनिया है, वह बेशक उन्होंने जोड़ा खेत्र समाज सुधार का सी, माध्यम उन्होंने एजुकेशन नू चुनिया, पर वह आरंभ के ब्रह्म समाज के नाल जुड़ गए। इस गल समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जोड़ा ब्रह्म समाज है वह कित भी साड़िया जड़िया धार्मिक मानतावान सी सिख धर्म दियाँ ज इस्लाम दियाँ वो विरोध के खड़ा नहीं सी होया, बल्कि समाज दियाँ करीतियां दूर करन दे वास्ते, चाहे वह बाल विआह की गल सी, चाहे बाल विधवा की गल सी, चाहे सती प्रथा की गल सी। सो इस करके जदों ये जिहड़ा ब्रह्म समाज शुरू होया राजा राम मोहन राय ने शुरू किया तो ये जिहड़े फाउंडर मैंबर है उन्हां दे विच सरदार दयाल सिंह मजीठिया की गल भी आउंदी है। आर्या समाज के नाल इस नूं इस करके नहीं जोड़ के वेख्या जाना चाहिए कि आर्या समाजी जदों आए ने दयानंद आया पंजाब दे विच तां उहदी मुलाकात भी दयाल सिंह मजीठिया दे नाल होई, पर दयाल सिंह मजीठिया जिहड़े ने उन्होंने इन्ना ज़्यादा अध्ययन उस समय के लिटरेचर का किया होया सी कि जिहड़ा दयानंद सी वह ज़्यादातर वार्तालाप दे विच गोष्ठ दे विच चर्चा दे विच उन्हां दे सामने टिक ना सकिया। सरदार दयाल सिंह मजीठिया एक पंजाबी लोक दानश रखण वाले मनुख सन। अंग्रेज़ सरकार नाल लड़न लई उन्होंने सर सैयद अहमद खान जिहा रस्ता अपनाया। नाले वह जानते सी कि 1857 की जंग हिंदुस्तानी हार चुके सन ते पंजाबी भी महाराजा रणजीत सिंह की मौत मगरों 10 साल आपस में लड़ते रहे। हुण एक ही राह सी जिदे ते चल के पंजाबी कौम आज़ादी का ख्वाब वेख सकती है ते आने वाले दिनों विच आज़ादी हासिल भी कर सकती है, ते ओ राह सी तालीम दा राह जिदे ते चलण दा सरदार दयाल सिंह ने फैसला किया। असी कह सकने आ कि जे दी ट्रिब्यून तो बाद पंजाब यूनिवर्सिटी बनाउण विच सरदार दयाल सिंह अपना हिस्सा ना पाउंदे, जे दयाल सिंह कॉलेज दयाल सिंह लाइब्रेरी ट्रस्ट की नींह वह ना रखते तो शायद पंजाब ते लाहौर के नौजवानों की एक वड्डी गिनती अनपढ़ रह जाती। लाइब्रेरी ट्रस्ट विच दयाल सिंह ने कई नामी ग्रामी हस्तियों नूं शामिल किया। लाहौर विच पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी मगरों दयाल सिंह लाइब्रेरी ट्रस्ट दूजी वड्डी लाइब्रेरी सी। इस लाइब्रेरी ने कई इलम दे मतलाशी इंसानों की प्यास बुझाई। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के शोभा उर्दू के प्रधान डॉक्टर जाहिद मुनीर दयाल सिंह लाइब्रेरी बारे अपनी यादों का खुलासा करते हैं। लाहौर बागों और खानों ही का शहर नहीं, लाइब्रेरियों का शहर भी है। एक ज़माना था कि जब यहाँ लाइब्रेरियाँ आबाद होती थीं और नौजवान और कोहनसाल लोग सुबह शाम लाइब्रेरियों की जीनत बनते थे और वहाँ से इल्मी ज़खायर से इस्तफादा किया करते थे। मेरा बचपन भी लाहौर की लाइब्रेरियों की यादों से जुड़ा हुआ है। मैं सरगोधा से लाहौर आता पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, लाहौर म्यूज़ियम लाइब्रेरी और दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी में बैठकर अपनी इल्मी प्यास बुझाने का सामान किया करता था। मुझे याद है उस ज़माने में दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी में हमारे मशरक़ी उलूम का बहुत बड़ा ज़खीरा महफूज था, मख्तूतात की शक्ल में भी, मतबूआत की शक्ल में भी, मुजल्लात और रसाइल की शक्ल में भी। सिर्फ यही नहीं,
दयाल सिंह लाइब्रेरी के साथ एक मरकज़ तहकीक भी वाक़ था जिसमें मुख्तलिफ इल्मी मौजूदात पर तहकीक की जाती और मुख्तलिफ इल्मी मतबूआत की इशात का अहतमाम किया जाता था। उस मरकज़ तहकीक के सरबराह मौलाना सैयद मोहम्मद मतीन हाशमी थे। वो एक तहकीकी मुजल्ला भी निकाला करते थे। वो ख़ुद चूँकि एक इल्मी शख्सियत थे लिहाजा उन्होंने उस इदारे को एक खालिस इल्मी रंग दिया हुआ था। अब डिजिटल दौर आ जाने की वजह से लाइब्रेरियों की हालत नागुफ्ता बे है। ज़रूरत इस अमर की है कि लाइब्रेरियों में मौजूद ज़खायर को डिजिटाइज़ किया जाए, उनकी हिफाजत की जाए और दयाल सिंह लाइब्रेरी में जो इल्मी ज़खीरा मौजूद है उस ज़खीरे को ज़ाय होने से बचाया जाए। सरदार दयाल सिंह मजीठिया की ये यादगार, जो नाम चाहे जो अगर फैज़ के असबाब बना, घर बना, चाह बना, मस्जिद व तालाब बना की एक तस्वीर है, आने वाले दिनों में भी अमल खैर का एक तसलसल बनी रहे। सरदार दयाल सिंह एक खुले दिमाग दे इंसान सन और लाहौर शहर विच कुश्ती ते पतंगबाजी की सरप्रस्ती करन वाले सन। इस तरह वह शतरंज के बड़े वधिया खिलाड़ी सन। मौसीकी नू बड़ा पसंद करते सन ते खुद भी सितार बड़ा चंगा छेड़ते सन। इस तरह वह मशरक के तखलुस नाल शायरी भी करते सन ते उन्हां दी शायरी के कुछ नुस्खे ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन विच हुण भी रखे हुए हैं। सरदार दयाल सिंह मजीठिया 9 सितंबर 1898 विच चलाना कर गए। वह पहाड़ ते रखे हुए एक चिराग वांग सन जो हर आउंदे नू राह दिखाउंदा है। सरदार दयाल सिंह दे बनाए हुए इंस्टीट्यूशनज़ नू पंजाब दी तकसीम भी ना मुका सकी। वो अपने काम परों हमेशा जिंदा रह गए। सन ऑफ लाहौर ते सन ऑफ पंजाब दी छड्डी विरासत ते लैगसी नू अज पंजाबी किवें अगे लैके टुर सकते ने, ए अज दा सवाल है। पंजाब अगे अज भी कई चैलेंजेस ते रुकावटां खड़ियां ने। एक विजनरी इंसान ने अपने वेले विच पंजाबियों नू तालीम दे चानण नाल रोशन करन दा जतन कीता कि अज दा नौजवान उन्हां दी छड्डी विरासत नू अगे लैके टुर सकदा है। सरदार दयाल सिंह मॉडर्न पंजाब नू उसारन वाले सन। सरदार दयाल सिंह ने पंजाबियों नू एक नवी दिख देने अपना भरपूर किरदार निभाया। वो कौम सारू नीतियां दे काड़ू सन। सरदार दयाल सिंह पंजाब विच नवे इदारे बनाउण, बिलीफ सिस्टम्स ते सोशो पोलिटिकल रिफॉर्म्स दे मोरी सन। सरदार दयाल सिंह पंजाब दे पुत्र ने। वो लाहौर ते अमृतसर दे पुत्र ने। सरदार दयाल सिंह सांझे पंजाब दे सांझे वारस ने। उन्हां दीआं सोचां विच हमेशा पंजाब, पंजाबी नौजवान ते पंजाब दा आउण वाला समां हुंदा सी। अज सारे पंजाबियों नू सरदार दयाल सिंह नू सैलीब्रेट करन दी लोड़ है। जदों असी सरदार दयाल सिंह मजीठिया की शख्सियत की गल करते हैं तो मैनू इंज लगता है कि सिख परस्पैक्टिव दे विच जां सिख नज़रिए तो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम नहीं हो सकिया, करन दी लोड़ है। और ये बहुत वधिया कार्य तुसीं कीता है कि जिस तरह के नाल उन्होंने उस समय दे विच विद्यक खेत्र दे विच एजुकेशनल फील्ड दे विच जिस तरह की भूमिका निभाई और जिस तरह के नाल उन्होंने इन्ने वड्डे जिहड़े सी अदारे साडे सामने खड़े किए। बेशक देश की आज़ादी तो बाद जिहड़ा दयाल सिंह कॉलेज है इहदियां दो शाखावां हिंदुस्तान दे विच भी खुल्लियां, पर मूल रूप दे विच असी सचमुच फखर महसूस करते हैं जदों सरदार दयाल सिंह मजीठिया नूं सन ऑफ लाहौर कहा जाता है, क्योंकि उन्हां दी विरासत भी लाहौर तो शुरू हुई ते उन्हां दी सारी देन जिहड़ी है वह भी लाहौर दे वास्ते है। कोई एक ऐसा इदारा होना चाहिए जिथे सरदार दयाल सिंह दी सोच ते विजन अनुसार पंजाब ते रिसर्च होवे, जिथे पंजाबी मुसलमान, सिख, हिंदू, दलित, क्रिश्चन सब सूझवान मिल बैठन ते पंजाबियात नू अगे वधाउण दा सोचण, अज दे पंजाब दीआं सांझीआं खुशियां नू सैलीब्रेट करन ते दुखां नू हंडाउण दा सोचण। जिस तरह सरदार दयाल सिंह ने नेशन बिल्डिंग कीती सी, उसे तरह अज दोहां पंजाबां दे नौजवानां नू नवे दौर दे चैलेंजेस दा सामना करन लई तैयार करन दी बड़ी लोड़ है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिदा है जिथे सरदार दयाल सिंह दे विजन मुताबक गलबात होवे, जिथे सांझ दी गल होवे, कॉन्फ्रेंसां होण, ब्रेनस्टॉर्मिंग सैशनस होण, तरक्की ते अमन दे नवें राह खोलण दे जतन कीते जाण।
पंजाब उत्ते सरदार दयाल सिंह का कर्ज़ है ते सानू सारे पंजाबियों नू ए कर्ज़ उतारना चाहिदा है। सरदार दयाल सिंह ने पंजाब नू हनेरे चू कढ़ रोशनी वल लियाउण दा चारा कीता। साडा फर्ज़ है कि असी नवी नसल नू उस अजीम हस्ती नाल जाणू करवाइए। मेरे अज दे विचार ते गलबात तुहानू अपने दिल दे किन्नी कु नेड़े महसूस होई कमेंट सैक्शन विच जरूर दसना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल खोजो भी सबसक्राइब कर लो। थैंक यू। जीवन वसदे रहो। रब राखा।